हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगी स्वस्थ आदमी किसको कह सकते हैं। तो स्वस्थ आदमी वो है जिसको अच्छी नींद आए, सबसे पहले। दूसरा, स्वस्थ आदमी वह है जो खुश रहे अपनी लाइफ से, जिसमें सेटिस्फेक्शन रहे। देखिए, लाइफ में सभी के उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव रह के आगे बढ़ता है वही एक अच्छा इंसान और एक प्रगतिशील इंसान बन पाता है। तो इसके साथ ही वो क्या करे कि पानी भरपूर पिए, अपने अच्छा आहार ले, ये सब करेगा तो एक स्वस्थ व्यक्ति बनेगा। इसके अलावा उसके शरीर में कोई भी तो स्किन पे कोई भी चकत्ते या कुछ भी ऐसा नहीं दिखे, मतलब ब्राइटनेस दिखे स्किन में, एक साफ सुथरी स्किन दिखे। उसके अलावा उसको क्रोध नहीं आए, चिड़चिड़ापन नहीं हो, तो भी वो एक तरह से मानसिक जो है वो तालमेल बिठा रखा है। तो स्वस्थ जो व्यक्ति है उसके हर तरीके से तालमेल, जैसे भूख अच्छी लग रही है, हेड से टो देखें तो सब तरीके से वो स्वस्थ है। मतलब कि उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कहीं दर्द भी नहीं है, या फिर कोई भी उसको कहीं डॉक्टर को दिखाने की भी जरूरत नहीं है, और कोई वायरस या कोई भी जो नेगेटिव आता है, जो इम्यूनिटी हिलाता है वो, उससे वो फिर भी वो स्वस्थ रहे। कई बार देखा है कि परिवार में सभी लोग बीमार हो जाते हैं, लेकिन एक आदमी ऐसा होता है जो बीमार नहीं होता है या उस प्रॉब्लम से फेस नहीं करता है, क्योंकि उसने अपने एक शेड्यूल बना रखा है जो उसके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। वो हर किसी के लिए अलग हो सकता है, इसके लिए इस बात का जरूर ध्यान दे, अपनी दिनचर्या को ऐसा बनाए कि हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने डॉक्टर की सलाह लें और उसको फॉलो भी करें ढंग से। एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग, इनको जरूर रखें अपने आप में। पॉजिटिव रहें, पानी पानी अच्छे से पिएं, खाना अच्छा खाएं, धूम्रपान वगैरह से दूर रहें, नेगेटिविटी से दूर रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, तो उससे भी हमारा बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि माहौल अच्छा नहीं होता, सब गड़बड़ हो जाती है। अगर देखिए, माहौल का अगर हम ठीक कर पाते हैं तो जरूर कीजिए, नहीं कर पाते हो तो उस माहौल को, खुद को दूरी बनाइए। इसके अलावा अपनी क्या जो क्रिएटिविटी है, हॉबी वगैरह को निखारिए, उससे क्या है, हम पॉजिटिव होंगे, स्वस्थ रहेंगे, अंदर के रोम रोम खुलेंगे। योगा, प्राणायाम और वॉकिंग वगैरह करेंगे तो। अभी भी मेरे चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलें और आप पॉजिटिव रहें मेरे वीडियो के लिए। और जो जो कमेंट में आप लिखते हैं उसके बारे में जरूर वीडियो बनाऊंगी। ऐसे कमेंट कीजिए जिस पे आपको वीडियो चाहिए। धन्यवाद।